से द नाही दफा दिन जैसे कि आज 3 फरवरी फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है 2023 ईयर है और आज मैं पाड़ीशरी PSID हूँ जहाँ पर मैंने कंप्लेंट दी है SM रहीमुद्दीन खादरी के खिलाफ। SM रहीमुद्दीन खादरी वो शख्स जो कई सालों से 22 साल से मैंने अपने आप को रोक के रखा, 22 साल से मैं इस इंसान के जुल्म को सहती रही क्योंकि मुझे एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना है, अपने बच्चों को लेके ज़िंदगी जीना है, अपने घर संसार बचाना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को याद होगा 1.5 साल पहले भी मैंने उनको छोड़ने की कोशिश की लेकिन तब भी वो इंसान मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश की और मेरे साथ साथ मेरे ख़ानदान वालों को भी उन्होंने बदनाम किया, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन मुझे ना चाहते हुए उनके पास फिर से वापस आना पड़ा। लेकिन आज फिर से पिछले 3 महीने से मेरे को और मेरे बच्चों को वही टॉर्चर किया जा रहा है रहीम की तरफ से। तो लिहाजा मैं SM रहीमुद्दीन खादरी जो है मुझे पिछले 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रात के वक्त एक बार मुझसे बहस हुई इनकी, जिस पर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बहस की। 3 महीने से एक ही बात पर बहस हो रही है कि सोशल मीडिया पर आप लोगों को किस वजह से गालियाँ दे रहे हैं, किस वजह से सोशल मीडिया पर अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा और मेरे बच्चों का भी करियर ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से मैं उनसे बहुत लड़ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी रहीम खादरी जो है वो मेरी कोई बात नहीं मान रहे थे, ना ही बच्चों की उन्होंने कोई बात मानी। ठीक है, जब उन्होंने किसी की बीवी को इल्ज़ाम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे वाला भी उनकी बीवी को बदनाम करेगा। जब उन्होंने किसी बच्ची का घर बर्बाद करेंगे, किसी की बेटी को बदनाम करेंगे, उस पर झूठे एलिगेशन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी भी बच्चियाँ हैं, मेरी भी बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं। लोग जब जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को भी बदनाम करेंगे। ये बात से मैं मेरे बच्चे रहीम को इतनी बार समझा लेकिन रहीम अपने हरकतों से बाज नहीं आए और बार बार मुझे 3 महीने से एक ही बात का टॉर्चर दे रहे थे कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, तेको तलाक देने वाला हूँ, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, तेको तलाक देने वाला हूँ। बस ये उनके अल्फाज मुझे टॉर्चर बार बार दे रहे थे और पीना, शराब पीना, घर में मार तोड़ करना, घर में तोड़ फोड़ करना, सामान तोड़ना, बच्चों के साथ गंदे से बिहेव करना, बच्चों के साथ गलत लैंग्वेज यूज़ करना, बस ये उनका रवैया था। और आज हमारी हद ख़त्म हो चुकी है, मैं बर्दाश्त मेरी ख़त्म कर चुकी हूँ। इस वजह से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे किसी गैर औरत से उन्हें बात करते हुए मेरे सामने आए, जिसकी वजह से मैं उनका मोबाइल चेक करी और तब वो किसी और सिर्फ औरत से बात कर रहे थे और एक औरत से उन्हें चैटिंग कर रहे थे। तब मैं उनसे बात के बारे में डिटेल पूछी तो उन्होंने मेरे से लड़ना झगड़ना शुरू करा और मुझे मारने के लिए करीब आने लगे, मेरे बच्चे मुझे बचाने लगे। तो तब उन्होंने फौरी घर का सामान तोड़फोड़ करके कहा कि तलाक तलाक तलाक, मैं तेरे को तलाक दे चुका हूँ, तो अपने घर वापस चले जा, तेरे भाइयों के पास तो चले जा, मैं तेरे को तलाक दे दिया। ये उन्होंने मेरे साथ बिहेव करे तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने ठहरे ठहरे मेरे को 3 बार तलाक बोलते मुझसे तलाक ले, तो जाहिर सी बात है मैं उनके निकाह में नहीं हूँ। और मैं आज PS आकर पूरा कंप्लेंट दर्ज करवा चुकी हूँ, पूरे डिटेल्स मैं यहाँ पर PS में दे चुकी हूँ और मुझे पूरा कानून पर भरोसा है, बराबर कानून मेरा साथ देगा और बराबर मेरे बच्चों का भी साथ देगा। ये SM रहीमुद्दीन खादरी देखिए इतने टाइम से लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते आए, गाली गलौज करना, लोगों के वीडियोज़ लेके वायरल करना, हमारे एक न्यूज़ चैनल को एक ड्रामे की तरह यूज़ कर रहे थे, मेरे न्यूज़ चैनल का पूरा इमेज खराब कर चुके हैं। जो न्यूज़ चैनल मेरा जिस तरीके से चलता था उसका पूरी इमेज खराब करके लोगों को गंदे बातें करना, लोगों को बदनाम करना, चलो लोगों को करते 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 हद तो ये हो गई उनकी कि उन्होंने खुद अपनी बीवी को लोगों के नामा लेके बदनाम करना शुरू कर दिया। लोगों के नाम लेके मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरा फलाने से अफेयर है, फलाने से मेरे ताल्लुक है, इस तरीके से एलिगेशन लगा, यहाँ तक कि अपनी बेटी का रिश्ता तक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से वो अपनी बेटी के ससुराल में ससुरे को, उनके होने वाले जेठ को, बच्ची के, उन लोगों को तक वीडियोज भी जा रहे हैं, उन लोगों को तक गंदे गंदे गालियाँ क्लिप करके व्हाट्सअप पर जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स में दे रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी गली से औरत है, इस तरीके से उन्होंने इंडिकेशन लगा कि बच्ची का रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं। और मेरी छोटी बेटी जब उनसे लड़ी तो उससे भी रिश्ता तोड़ दिए, पी रही, यहाँ तक कि घर के सामने आके एक शराबी आटू वाला जिस तरीके से लौटता है ना, उस तरीके से उनके घर के सामने आके हरकतें, इतने गंदे हरकतों से पी के लौटते हैं घर के सामने। बेटा जब बोलता है तो बेटे के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हम लोग यकीन मानिए मैं किसी भी तरह से उनके पास, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँ तो शायद बहुत कुछ है लेकिन मेरी आदत आप लोगों को पता है, मैं कभी सोशल मीडिया पे आके अपनी पर्सनल मेरी लाइफ के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। मैं 22 साल से ये आदमी का जुल्म सहती, सिगरेटों के चुरके, बेल्टों के मारा, वायर के मारा, हर तरह का जुल्म सही हूँ मैं, हर तरह का जुल्म सही हूँ मैं। ऐसा शायद ही कोई ऐसा मार नहीं होगा जिस चीज़ का मार होगा जिससे इंसान ने मेरे पर जुल्म नहीं करा, लेकिन हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए, फिर भी बच्चे हैं, ज़िंदगी को मैं आगे ली, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त, मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो भी मुझे तलाक दे चुके हैं। तो बस मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरी फैमिली इश्यूज़ को, मेरे मैटर से दूर रहिए, SM रहीमुद्दीन खादरी से आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। और ख़ास तौर पर मैं ये भी कहूँगी कि SM रहीमुद्दीन खादरी को जो भी मेरे कई सारी मेरे फॉलोअर्स लेडीज़ हैं जो US अमेरिका जैसे कि सऊदी दुबई में रहने वाली कई सारी मेरी माँ बहनें हैं जो
मेरे थ्रू कई सारे गरीब लोगों की मदद किया करती थी। उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग डीपी पर अपने फोटोज मत रखिए, क्योंकि ये एस एम महमुद्दीन खादी उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रखा हुआ। मैं कई सारी औरतों के डीपी के स्क्रीनशॉट्स उसके फ़ोन में देख चुकी हूँ, और इसकी आदत है कि औरतों को बदनाम करना, औरतों के डीपी लेना, औरतों से बातें करना। तो लिहाजा आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए जितना हो सके ऐसे इंसान के। आज मैं बाहर निकल कर मैं और मेरा और जितना हो सके मैं आप लोगों के सामने आज निकल कर जो अपने सच्चाई जो भी आपके सामने रखना था मैं आज रखी हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं बहुत कोशिश करी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी, आज मेरी हिम्मत हुई है। तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को आप लोग सेफ रखिए ऐसे इंसानों से जो औरतों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, मेरा जो नंबर था 9182460499, ये नंबर पिछले 3 महीने से एस एम महमुद्दीन खादरी के पास है, वही मेरा नंबर यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, वो लोग वही यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहें तो उसे ब्लॉक कर भी सकते हैं, आप लोगों को नंबर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि मैं उस नंबर पर नहीं हूँ, हो सकता है आप लोगों को धोखा भी हो सकता है। तो लिहाजा आप लोग ऐसे इंसान से अलर्ट रहिए जो अपने बीवी बच्चों का ना हो सका, जो अपने भाई बहनों का ना हो सका, जो अपने खानदान का ना हो सका, जो अपनी औलाद का तक रिश्ता तोड़ा रहा है, तो सोचिए ये इंसान क्या क्या कर सकता है। तो बस मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ताला कानून हमारा जरूर साथ देगा, और ऐसे इंसान के खिलाफ बराबर हर कोई आवाज़ उठाएगा, तो ज़रूर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द नेस्तो नाबूद कर देगा। झूठी कसम खाना रहीम की बहुत बड़ी आदत है, झूठी कसम खाना और बार बार पे बोलना मैं नेस्तो नाबूद हो जाऊँगा, अल्लाह ताला इसीलिए आज उसकी नेस्तो नाबूद कर रहा है इंसान के लिए। झूठी कसम तो इतनी आसानी से खा लेता है कि जैसे कसम ना ही एक मामूली चीज़ है। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरी फैमिली के मैटर से मुझसे थोड़ा दूर रहिए, और आप लोग अगर रहीम को फेम करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ऐसे इंसान को फेम करना या ऐसे इंसान की वीडियोस को अपलोड करके उसे प्रमोट करना गलत बात है। जो इंसान लोगों की जिंदगियों से खेलता है, प्लीज़ आप लोग इसके वीडियोज़ को प्रमोट मत करिए, इसके वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा अपलोड मत करिए, इसके वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा रूमर्स की तरफ फैलाइए मत प्लीज़। और सबसे अहम बात आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी लास्ट में कि हो सकता है अब जब रहीम खादरी को मालूम होएगा कि मैं इस तरीके से जो उनके ऊपर कंप्लेंट कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एस एम महमुद्दीन खादरी बराबर मुझ पर एलिगेशन लगाएंगे, गंदे गंदे इल्जाम लगाएंगे, कई सारे लोगों के नामा लेके मेरे साथ उन्होंने अटैच करके बोलेंगे कि नाहिदा खादरी का साथ इसके साथ अफेयर था, इसके साथ अफेयर था। तो मैं आप लोग से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इनकी बात पर भरोसा मत करिए, ये एक गिरा हुआ गंदा इंसान है, और रहीम खादरी ऐसा इंसान है यकीन मानो आप, वक्त पड़ने पर उन्हें ना जमीन का किचड़ उठा के अपने मुंह पे लगाने वाला इंसान है, इतना गिर जाता है इंसान अपने पर वक्त आने पे। तो लिहाजा इसकी बातों से आप लोग भरोसा मत करिए। और एक बात मैं आपको ये भी कह दूंगी कि अगर वाकई में अगर मेरा किसी से अफेयर है या मेरा किसी से गलत ताल्लुकात है, तो कोई भी शौहर मालूम रखने के बाद में इतने साल बीवी को अपने पास कहीं नहीं रखता, तो ये इंसान झूठा है, मुझे कई सालों से मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करते हुए आया है और आज भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो लिहाजा आप लोग प्लीज़ इसके बातों में मत आइए और इसको प्रमोट मत करिए। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़, और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।